हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप अपनी फेवरेट चाइल्डहुड टॉय के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? किसी के लिए फुटबॉल, किसी के लिए उसकी डॉल और किसी के लिए उसका फेवरेट वीडियो गेम। एक बार मैंने जब मायरा के नानों से उनका फेवरेट गेम पूछा था तो उनका आंसर था स्पिनिंग टॉप। जी हाँ, मैं लट्टू की बात कर रही हूँ। इसका मज़ा हम सब ने कभी ना कभी अपने भाई बहन दोस्तों के साथ लिया ही होगा। इस फन गेम से फिर हम अपने बच्चों को कैसे दूर रख सकते हैं? तो उस बचपन की याद को ताज़ा करते हुए आज मॉम एंड मायरा ने ना सिर्फ लट्टू बनाया, उसे घुमाया और उससे पेंटिंग भी की। आप लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ गई होगी। चलिए बताती हूँ हमने उसे कैसे बनाया, कैसे घुमाया और पेंटिंग कैसे की। पर उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पिनिंग टॉप बनाने के लिए हमने ली पुरानी सीडी, मार्कर, वाइट शीट और टेप। मार्कर को सीडी में टेप की हेल्प से फिक्स किया और हो गया हमारा लट्टू तैयार। है ना आसान? तो अब करते हैं हम इस सीडी से पेंटिंग, घूमती हुई लट्टू से पेंटिंग। यहाँ हम स्पिनिंग टॉप से ना सिर्फ अपना बोर्डम कम कर रहे हैं बल्कि फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस फन गेम से लॉकडाउन स्ट्रेस भी रिलीज कर रहे हैं। ये एक्टिविटी सिर्फ ना बच्चों के लिए है बल्कि मॉम डैड के लिए भी है। आप देख रहे हैं मायरा इसे बहुत एंजॉय कर रही है, घूमती हुई लट्टू और पेंटिंग एक साथ। तो मॉम डैड वेट किस चीज़ का है? आज ही बनाए अपना स्पिनिंग टॉप, पेंटिंग करे और अपने बच्चों के साथ अपने बचपन की याद ताज़ा करे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, मेरे चैनल और वीडियोस को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।